ऋण आज प्रस्तुत है सुरेंद्र सुकुमार की कहानी का ये नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं राधेश्याम उपाध्याय। लीजिए सुनिए नाटक ऋण। लेओ भैया बाबू, पहली बस तो गई, अब कुछ देर को फिर सन्नाटा। सो तो है ही। अरे सप्पू भैया, आज काम पे शहर नहीं गए? बस जा ही रहा था भैया कि उधर जरा भीड़ देखी तो। देखा है उस औरत को? हाँ प्रसादी भाई, लेकिन वो औरत आई कहाँ से, तुमको जानते? अरे तुमने भी भैया कहा बात छेड़ दी, तबीयत भी ना आ गई, देखते ही घिन लगती है, पुट्ठों पर घाव, घाव पर मक्खियां, आंखों में कीचड़। हमारी तो भैया चाय की बिक्री ही घट गई। अब तो उसमें इतनी भी जान नहीं कि मक्खियां तक उड़ा सके। हाँ वही सब देख के आ रहा हूँ। लेकिन तुम लोग यहीं पड़ाव पर रहते हो, ये बताओ वो औरत यहाँ कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई? हमें कुछ नहीं मालूम सप्पू भैया, मैं तो साइकिल में पंचर जोड़ना जानते हो बस। अरे भैया कहीं से भी आई हो, एक दो दिन में मर जाएगी। भैया वो बेचारी लावारिस पड़ी है और तुम लोगों ने उसके लिए कुछ किया नहीं? और वो तो 5-6 दिन से ऐसे ही पड़ी है, किसे फुर्सत है कि इस पचड़े में पड़े। किसी की जान बचाने को तुम पचड़ा कहते हो? अरे बहुत दया आ रही हो तो जाओ तुम ही देखभाल करो उसकी। करूंगा नहीं तो क्या तुम लोगों की तरह उसे मरने के लिए छोड़ दूंगा? अरे उधर बस पकड़ने के लिए डॉक्टर साहब खड़े हैं, मैं उन्हें लेकर अभी उस दुखियारे के पास जाता हूँ। ये सप्पू भी अजीब उल्टी खोपड़ी का है। बब्बू भैया सप्पू अब की जेल से छूटने के बाद एकदम बदल गया है। हाँ प्रसादी भैया, पहले तो सप्पू का वो ढर्रा था कि लोग नाम सुन के घबराते थे, चोरी बदमाशी झगड़ा झंझट, जेल तो जैसे उसके लिए ससुराल बन गई। ये काहे नहीं कहते कि कच्ची दारू लाता था, बेचता भी था और पीता भी था। अब तो प्रधान जी से भी नहीं उलझता, दिन भर मेहनत मजूरी में लगा रहता है, नौजवानों को भी बहुत समझाता बुझाता है, किसी पर कोई विपदा आए तो दौड़कर मदद करता है। सो बात तो है बब्बू भैया, अब देखो ना उस सप्पू और इस सप्पू में जमीन आसमान का फर्क है, है? अपने काम पर जा रहा था मगर काम की चिंता छोड़ उस औरत की देखभाल में चला गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई प्रसादी भैया का कि वो औरत इस हालत में कहां से आए थे। हमें तो लगता है भैया कि किसी ने घर से मार पीट के निकाल बाहर किया है, शायद चाल चलन कुछ। लेकिन वो खुद तो यहाँ नहीं पहुंची होगी। सो तो है, चलने फिरने से तो उसी दिन से लाचार थी, कहीं कोई लाकर फेंक तो नहीं गया? अरे गोली मारो यार हमें का। वो देखो सप्पू आ रहा है। क्यों भैया सप्पू? डॉक्टर साहब ने देखा? हाँ भैया अच्छी तरह देखा, दवा दी मरहम पट्टी की, कहने लगे यहाँ इस तरह खुले में पड़े रहना ठीक नहीं। तब क्या, अभी तो पंडित जी की खाली कुठरिया में पहुंचाए दिया है। भैया पंडित जी बड़े नेक आदमी, तुरंत जगह दे दी। डॉक्टर साहब ने रोग का बताया सप्पू भैया? रोग ही रोग तो है, बदन में खून नहीं है, बुखार है, कमजोरी इतनी है कि बेचारी बोल तक नहीं पाती, जगह जगह घाव हैं। फिर सबसे बड़ा रोग तो यह है कि वो सताई भई है, गरीब है, बेसहारा है। चलो आज तो भगवान ने उसे सहारा दे दिया। तुम लोग कुछ भी कहो, भैया मुझे तो बेचारी पर बहुत दया आई। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयां और लिखी हैं, आज शहर से लाऊंगा। अरे रे रे, उठो मत उठो मत उठो मत, लो मैं दवा लाया हूं। काहे कर रहे हो ये सब अभागिन के लिए, अब तो ठीक भी हूँ, ये दवाई सब दवा तो खानी ही पड़ेगी। अच्छा खा लूंगी। आज तबीयत कैसी है? ठीक है, बहुत ठीक है। आज तो तुम भूखी रह गई होगी ना? पंडित जी ने पूछवाया तो था,
मगर मन नहीं था। आज मैं काम पर शहर चला गया था, तुम्हारी दवा भी लानी थी। तुम तो जानती हो दिन भर कमाता हूँ तो रात को रोटी मिल पाती है। और उसी में हम भी आ गए। अरे नहीं नहीं, इसकी मुझे चिंता नहीं है, सब परमात्मा की इच्छा है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। लेटे लेटे मन उब गया, सो आज धीरे धीरे नहर तक गई थी। नहर तक? थकी नहीं? हाँ, दो जगह बैठकर सुस्ताई थी, लेकिन लौटने पर बहुत थक गई। थकोगी क्यों नहीं, इतनी कमजोर जो हो गई हो, लेकिन घूमने फिरने से। एक बात बताना चाहती थी। हाँ हाँ बताओ। आज नहर से लौट रही थी तो पड़ाव के लोग गीधों की तरह मुझे घूर रहे थे। जब पड़ाव पर बीमार बेसहारा बेहाल पड़ी थी तो यही लोग मेरे पास फटकते तक न थे, खिन के मारे निगाहें घुमा लेते थे, थूकते थे। तुम बाहर निकली ही क्यों? तुम्हारे बदन पर ढंग के कपड़े नहीं है, साड़ी जगह जगह फट गई है। यहाँ तो सब लोग जैसे राक्षस हैं, पूरे राक्षस। बस तुम्हें एक देवता। अरे नहीं नहीं, जो इतना सब कर रहे। अरे नहीं, मैं देवता नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ रामा, मुझमें भी कमजोरियाँ हैं। देवता अपने को देवता नहीं कहता। अच्छा अच्छा, मैं जाता हूँ। ये दवा फल सुबह खा लेना, फिर दोपहर को खा लेना, और ये कुछ पैसे रखे हैं, भूख लगे तो खा पी लेना। हाँ, मैं कल फिर आऊं। यार बब्बू, सप्पू ने तो उस औरत में नई जान डाल दी। एकदम काया कलप हो गया परसादी भैया। हाँ। देख के करीचे पे सांप लौटने लगता है। हम तो खंडहर देख ही के इमारत का हाल जान गए थे भैया। तुम देखना, ये औरत पूरी तरह ठीक हुई गई तो पड़ाव पर जो न हुई जाए सो थोड़ा है। हाँ। लेकिन भैया, हाँ, एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि आदमी सुधरता है तो सप्पू की तरह। अरे लाख टके की बात कही तुमने, हम तो समझ रहे थे। चुप रहो चुप रहो, वो सप्पू आ गया। क्या बातचीत चल रही है बब्बू भाई? भैया बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, बस तुम्हारी ही चर्चा चल रही थी। मेरी चर्चा? हाँ, तुम्हारी ही चर्चा। सप्पू भैया, तुमने तो मरते को नई जिंदगी दे दी। सब भगवान की कृपा है प्रसादी भैया। एक बात पूछे सप्पू भैया? पूछो पूछो। बुरा ना मानना। अरे नहीं, नहीं, इस बार जेल से लौटने के बाद तुम्हारा बिल्कुल कायाकल्प हो गया है, ये सब भया कैसे? सच बात बताऊं भैया? हाँ। मैं हर बार जेल जाता था तो साथ पड़ता था चोरों से, डकैतों से, खूनियों से, लेकिन इस बार मुझे एक बाबूजी मिल गए। गजब के इंसान थे बब्बू भाई, मुझे बहुत समझाया, बहुत सिखाया, मुझे आदमी बना दिया। तभी से मेरे मन में ये बात आई कि अपना पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं, इंसान तो वो है जो दूसरों की भलाई के लिए कुछ करे। बड़ी ऊंची बात कही उन बाबूजी ने। बब्बू भैया, अब तो मैंने तय किया है कि देश दुनिया के लिए भी कुछ करना है। भैया, जुल्म का मुकाबला अकेले नहीं किया जा सकता, हमें मिलजुल कर मुकाबला करना। धन्य हो सप्पू भैया, धन्य हो, तुमने वो रास्ता चुना है कि लोग जुग जुग तुम्हें याद करेंगे। सप्पू भैया, ठीक हो जाने पर औरत को भेजोगे कहाँ, कुछ सोचा है? अभी से क्या सोचना, पहले वो ठीक तो ही जाए, जहां दाना पानी होएगा वहां चली जाएगी। अच्छा चलो, उसे दवा दारू दे दूं, फिर घर का रास्ता नापू। रामा 15 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन ठीक होके जाएगी कहां? शायद अपने गांव चली जाए, लेकिन वो कौन है, कहां की है, ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। उसका अपना घर होता तो वो यहां इस तरह तो फिर वो कहां जाएगी? कहीं भी जाए मुझे क्या, मैंने अपना धर्म पूरा कर दिया, जब तक रहेगी करता रहूंगा। ये साड़ी क्यों लाए, इसकी जरूरत नहीं है हमें। जरूरत है तभी तो लाया हूं रमा। वैसे ही मेरे ऊपर कौन कम एहसान है, देखभाल की, दवा दारू की, नई जिंदगी दी। अरे ये तो मेरा धर्म था। रही साड़ी,
सो मैंने देखा तुम्हारी साड़ी फट गई है ना, जिससे तुम्हें घूमने फिरने में तकलीफ होती है। तुम मेरे लिए भगवान बन गए, मुझे मरने से बचा लिया। ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या हूं। ये पूछने की जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि तुम इंसान हो, दुखियारी औरत हो, बेसहारा हो। हाँ, मैं जरूर तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता था। जानती हो रामा, यहाँ के लोग मुझे अच्छा आदमी नहीं समझते। लोग चाहे जो समझें, मेरे लिए तो तुम देवता हो। इतनी उम्र में ही मैंने बहुत ऊंच नीच देखा है। घर में कौन कौन है? वैसे तो खानदान के काका हैं, काकी हैं, उनके बेटे बहुए हैं, लेकिन उनके लिए मैं आवारा हूं, बदमाश हूं। मां बचपन में चल बसी, कभी अपना घर था, पोखर था, बापू सिंघाड़े उगाया करते थे और पहलवानी करते थे। अब तो कुछ नहीं बचा, बस पुरखों की एक कोठरी बची है गांव में। बापू भी? हाँ रामा, तब मैं 14-15 साल का था जब हत्यारे ने बापू को। क्या उनका कत्ल हुआ था? हाँ, वो पहलवान थे, इलाके में उनकी लाठी पुश्ती थी, प्रधान के वो ताएं हाथ थे, लेकिन एक दिन बाद की बात में वो प्रधान के दुश्मन बन बैठे। प्रधान ने कोई जात दी? हाँ, नैनसुख की जवान बेटी सरबती प्रधान जी की एक में छोल करने गई थी। शाम के झुटपुटे में लौटी तो सरबती सरबती नहीं लग रही थी, आंखें एकदम सूनी, गालों पर खरोंच के निशान, धोती नुची खुची। नैनसुख ने सब समझ लिया कि उस पर क्या बीती है। सरबती बेचारी कुछ देर अपराधी बनी खड़ी रही, फिर अपने बाप का पांव पकड़कर रो पड़ी। हाय बेचारी। मैं भी खड़ा खड़ा सब कुछ देख रहा था। नैनसुख ने बापू की तरफ देखा और टप टप आंखों से आंसू गिरने लगे। बापू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, वो लाठी लेकर प्रधान की हवेली की तरफ लपके। मैं भी बापू के पीछे पीछे दौड़ा और। पहलवान, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना तमतमाया क्यों है? गांव की जवान लड़की की इज्जत लूट कर पूछते हो तमतमाया काहे हूं? आज तक तुम्हें आदमी समझता था प्रधान जी, तुम इतने नीच राक्षस हो नहीं जानता था। पहलवान, तुम ही क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, मेरे सामने सरबतिया की तस्वीर नाच रही है, बेचारी। एक बात सुन लो पहलवान, आज तक प्रधान पर किसी माई के लाल ने उंगली नहीं उठाई है। सब नामर्द है प्रधान, लेकिन हमारी उंगली ही नहीं लाठी भी उठेगी, समझे? पहलवान जरा होश में रहो, नैनसुख कहा है? नैनसुख मर गया आज। का? उसके जीते जी उसकी बेटी की इज्जत लुट गई, वो मरा नहीं तो का जिंदा है। प्रधान जी, आज नैनसुख की बिटिया की इज्जत ना ही लूटी तुमने, पूरे गांव की बिटियन की इज्जत लूटी है। और सुन ले, जिस पहलवान की लाठी ने तुम्हारी जान एक दो बार नहीं दसियों बार बचाई है, अब वही तुम्हारे खून की प्यासी है। मैं सरबतिया की आबरू का बदला लेके रहूंगा। दूसरे दिन सरबती की लाश पोखर में मिली। कातिल कौन है जानते सब थे, मगर किसी का मुंह नहीं खुला। सबकी उंगलियां प्रधान के पांव के नीचे थी, किसी पर कर्जा, किसी पर कुछ। हत्यारे को मौत ना आई? बापू बदला लेने की सोच रहे थे, लेकिन 10 दिन बाद उसी पोखर में बापू की लाश। मैं बापू से लिपट कर खूब रोया और कसम खाई बापू की मौत का बदला लेके रहूंगा, उनका कर्जा उतार कर दम लूंगा। गांव के और लोग? सबके मन में प्रधान का नाम था, पर जुबान पर कोई नहीं लाया। अगले दिन पुलिस आई, प्रधान की हवेली में जमघट लगा। कत्ल के शक में प्रधान ने जिस जिसका नाम लिखवाया, पुलिस उन्हें पकड़ ले गई। हाय दैया। बापू की मौत के बाद रामा, 11 साल मैंने कैसे काटे ये मैं ही जानता हूं। मैंने क्या क्या नहीं सहा। पोखर प्रधान जी के कब्जे में चला गया, मैंने मजूरी की, फाके किए, चोरी की, जेल गया, वो सब किया जो एक बुरा आदमी करता है। बापू की मौत के बाद भी तुमने गांव नहीं छोड़ा? कैसे छोड़ता, बापू का कर्जा जो उतारना था।
मैं सूखी रोटियां खा खा कर दिन काट रहा था। तभी एक दिन फिर वही हुआ जो हमेशा से इस गांव में होता आया है। मैं समझी नहीं, कोई और कत्ल? रूपा की जवान बहू प्रधान जी की एक में छोल करने गई, जाते सबने देखा, लौटते किसी ने नहीं देखा। प्रधान के इशारे पर पुलिस ने उल्टे रूपा को फंसा दिया। मुझे धमकी दी गई, गवाही दो वरना तुम्हें भी फंसा दिया जाएगा, और मैंने मजबूरी में हां कह दिया, लेकिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती रही। रामा, उस रात मुझे नींद नहीं आई, याद आते रहे बापू जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ जूझ कर अपनी जान दे दी, और मैं मत कहो, और मत कहो। लेकिन रामा, अदालत में पहुंचने के पहले ही मैंने तय कर लिया कि मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। मैंने साफ साफ बता दिया कि मेरा नाम धमकी देकर लिखा गया है, रूपा बेचारे का कोई कसूर नहीं है, सारी चाल प्रधान की है। और अदालत से लौटने के बाद चौथे दिन पुलिस ने मुझे फिर जेल पहुंचा दिया। भगवान सब देखता है, कभी न कभी। हाँ, कभी न कभी तो अन्याय की नाव डूबेगी ही। अच्छा, अब तुम आराम करो, दवा लेकर मैं कल फिर आऊंगा। जय राम जी के प्रधान जी। जय राम भाई, सब कुशल मंगल है ना? सब आपकी कृपा है। आप इधर कुर्सी पर बैठ जाएं, चाय तैयार है प्रधान जी। चाय वाय की इच्छा नहीं, कचहरी जाना है, जल्दी में हूँ, बस एक बात करनी थी इसीलिए तुम लोगों के पास आया। हुकुम करें प्रधान जी। देखो भाई, मैं तो सप्पू से कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन पूरा गांव नाखुश है उसके चाल चलन से। यह औरत का बखेड़ा कहां से पाल लिया, बहुत गंदी बात है, गांव पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा। हम उसे खुद समझाने वाले हैं प्रधान जी। उसे समझा बुझाकर इस औरत को तो चटपट यहां से हटाओ, न जात का पता न बिरादरी का, पूरे खानदान की नाक कटाए रहा है, पूरे गांव में थूथू हो रही है। उसका चाचा मुकद्दम तो बहुत गुस्सा आया है, कल हमसे कह रहा था अब पंचायत बुलानी है। प्रधान जी, ना नौ नगद न तेरा उधार, वह आ ही रहा होगा, हम आपके ही सामने। ना 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 ना, तुम लोग समझाना उसे, हम कहेंगे तो बखेड़ा होगा, है मुझे चलने दो। बब्बू भाई, बात तो प्रधान जी ठीक ही कह रहे हैं। हाँ, मुकद्दम भी नाखुश है और चमेली दादी भी, आ जाए तो उससे साफ साफ बता देना है। वह देखो भागा चला आ रहा है। तो रहा है, जो चाहो सो समझाओ। हाँ, लेकिन सप्पू करेगा वही जो उसका जी चाहेगा। आ गया सप्पू भैया, आ गया। हाँ भैया, आ गया। भैया बुरा न मानना, तुम्हारे भले की कह रहे हैं। कहो कहो। तुम्हें अभी देश दुनिया का तजर्बा नहीं है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं है। अरे भाई, रामा के लिए धोती लाने की क्या जरूरत रहा? जैसे तैसे एक मुसीबत से उभरा तो दूसरी मुसीबत ओढ़ ली। अरे भाई, उसकी साड़ी तार तार हो गई थी इसलिए ले आया। तुम्हारी कौन लगती है, वो तार तार हुई गई तो हो जान देते। अरे दवाई कराए दी, चंगी हुई गई, बोलो अपने घर जाए, तुमने कोई ठेका लिया है? परसादी भाई, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, फिर अभी वो पूरी तरह से ठीक भी तो नहीं हुई है। सप्पू भैया, बात को दूर तक समझने की कोशिश करो। अभी प्रधान जी कह रहे थे सप्पू के चलते गांव की बड़ी बदनामी हो रही है। हाँ, वो बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि सप्पू की करतूत का असर गांव पर बहुत बुरा पड़ेगा, फिर उस औरत की जात का ना पता ना उसकी बिरादरी का पता। भैया, गांव में काका हो रहा है, का तुमसे छिपा है? प्रधान जी के लिए सब माफ है। और रही उसकी जात की बात, सो मैंने कोई और कदम तो अभी उठाया नहीं है। और भैया, सच्ची बात तो यह है कि गरीब की कोई जात नहीं हुआ करती। लेकिन भैया, गांव घर में रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, प्रधान जी, मुकद्दम, मैंने किसी का कर्जा नहीं खाया है, ना डेढ़ी सवाई ली है। रामा जब तक ठीक नहीं हो जाएगी यहीं रहेगी, प्रधान जी से भी कह देना और गांव वालों से। तो बात यहां तक बढ़ गई, लगता है रामा से भी किसी ने कुछ कहा है। तभी उदास थी, आंखें गीली भरी भरी, पूछने पर टाल गई। कोई बात नहीं, न होगा, रामा का इंतजाम मैं शहर में कर दूंगा, शहर में। लेकिन इतने पैसे कहां से? अरे, ये आवाज कैसी? कौन है?
अभी आता हूँ। पकड़ लो दोनों को, भाग ले ना मैं। पकड़ लो, पकड़ लो। बचाओ, मर गई, अरे मर गई, मर गई, मुझे मार डाला। क्या बात है, वो दोनों कौन थे? मुझे पकड़ने आए थे। अब मेरे लिए और मुसीबत मत झेलो, मैं अब आगे फिर तुम्हारे पास आए गिरी, हमें जाने दो। हमारी जैसी किस्मत भगवान दुश्मन को भी न दे। माँ बाप बचपन में छोड़ गए, मामा ने पाला पोसा, 16 साल की हुई तो एक अधेड़ शराबी जुआड़ी के हाथ बेच दिया। 1000 में दिन भर शराब पीता जुआ खेलता, ठाकुर का कर्जा था ही, जमीन भी गिरवी हो गई, चिंता में और पीने लगा और पीता पीता जल बसा। अफसोस की बात है, परमात्मा की जैसी मर्जी। घर में जेठ थे, वो ठाकुर के यहाँ काम करते रहे, मैं घर का भी काम करती और बाहर का भी। एक रात ठाकुर दारू पीकर घर में घुस आया। अरकू, मेरे रुपए कब वापस करेगा? सरकार थोड़ा मोहलत दे, अभी तो बड़ी गिरानी। ऐसे कब तक चलेगा रे, कर्जा उतरेगा कैसे? सरकार कहा करें, ए वक्त को उपाय नहीं। अरे मूर्ख, उपाय क्यों नहीं है? तेरे भैया की बहू ऐसी है कि सारा कर्जा उतर सकता है। मालिक, हट जा दरवाजे के सामने से। मालिक मालिक चिल्लाता है, ये ले बोतल और यही हो सारे में चक्कर पी। रामा, अरे रामा, अरे इधर क्या बात है? अरे इधर आ, तो बताता हूँ कि क्या बात है। तेरे खसम ने बड़ी लंबी रकम खाई है, हाँ? सब उतारना है। हम पे दया करो मालिक। दया करने ही तो आए हैं रानी। नेक तो भगवान से डरे। अरे भगवान को बीच में क्या घसीटती है। मुझसे आवाज निकाली तो गला घोट दूंगा, समझी? फिर तो रोज नुस्ती रही, न भागने पाई न मरने पाई, बोली तो मारी गई, ताले में बंद रही, तन मन में घुन लग गया। जब तक देह ने साथ दिया, कर्जा उतारती रही, जब घाट से लग गई, मरने के लिए पड़ाव पर फिकवा दिया गंगागढ़ के ठाकुर ने। क्या, गंगागढ़ का ठाकुर? हाँ। सरपंच? अरे वो तो बड़ा चालिम है, हमारे गांव के प्रधान का दोस्त भी है। लेकिन तुम चिंता ना करो, जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई। अच्छा अब रात खत्म होने को है, तुम सो जा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। जो लोग मेरी कोठरी में आए थे ना, उसमें मेरा जेठ भी था, सब लोग जान गए कि मैं यहाँ हूँ। वो किसी तरह मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे, अब मुझे जाने दो, इतना बहुत कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है रामा, कुछ भी तो नहीं। हाँ तुम्हारी वजह से मैं आदमी जरूर बन गया, मैं तो आवारा था आवारा, जब से तुम आई मैं आदमी बन गया। इतना सुख मुझे कभी नहीं मिला जितना पिछले 10 दिनों में मिला है। एक बात कहूं रामा, तुम मेरा साथ दो तो मैं दुनिया से टक्कर ले सकता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पंच परमेश्वर, आप लोग हमारे साथ न्याय करें, हमारी इज्जत का सवाल है। रामा हमारे छोटे भाई की बेवा है, सप्पू उसे जबरिया अपने यहाँ रखे हैं, जाने नहीं देता। हमारे ठाकुर साहब गवाह हैं, हमने इसे कोई तकलीफ नहीं दी। प्रधान जी आप ही न्याय करें। पहले पूरी बात बताओ हरखू,
पंचायत में तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। पंचो, बीमारी की हालत में सप्पू रामा को भगाए लाया, हमें पता चला तो दो ही बार लिवाने आए, ठाकुर साहब भी थे। सप्पू ने दरवाजे पे हमें बुरा भला कहा, प्रधान जी गवाह है। हमारी नजर में पराई बहू बेटी रखना अधर्म है, पाप है। हमने समझाया भी मगर सप्पू ने हमारी बात नहीं मानी। इनकार मैंने नहीं, रामा ने की थी, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे कोई नहीं ले जा सकता। ये हमारी इज्जत पानी का मामला है, आप पंच न्याय करें, नहीं तो इज्जत के नाम पर हम पुलिस में। अरे हरामी, तू कहाँ जाएगा पुलिस के पास? पुलिस के पास तो मैं जाऊंगी, एक एक को बंद न करवाया तो नाम नहीं, एक एक की पोल खोल दूंगी। बात का बतंगड़ बनाना बेकार है, पूरी बात पंचों ने सुन ली। सप्पू हमारे गांव का है, इसलिए हमारा बोलना वाजिब नहीं है। रामा के गांव के ठाकुर साहब इलाके के मानिंद आदमी है और सरपंच भी है, वो जो फैसला दे वही माना जाए। अब बोलो पंचो, ठीक है? देखो पंचो, देखो ये हरखू की नहीं पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। हमारे गांव की बहू किसी और गांव का आदमी जबरदस्ती रखे ये ठीक नहीं है। धर्म कहता है कि हमारे गांव की बहू बेटी हमारी बहू बेटी, तो पंचो अपनी बहू बेटी की आबरू हम नहीं लुटने देंगे। हमारा फैसला है कि रामा अपने जेठ के साथ अपने गांव जाए और सप्पू अपने जुर्म के लिए पंचों से माफी मांगे। ठाकुर साहब खूब कहा, गांव की बहू बेटी तुम्हारी बहू बेटी। भूल गए वो दिन जब अपनी इसी बेटी के साथ बूं काला किया था? उस दिन कहां गई थी तुम्हारे गांव की इज्जत, और उस दिन कहां गया था तुम्हारा धर्म जब हमें पड़ाव पर फेंकवा दिया था? हम थूकते हैं तुम्हारे धर्म पे, तुम पे थू थू थू। और ये गणासा देख लियो, बहुत दिन सहा, अब देखोगे कि हमें कौन ले जाता। मैं तो नहीं रुक सकता ऐसी पंचायत में, चल रामा घर चले। अरे सप्पू भाई रुक जाओ, ये पंचायत का अपमान है। रुक जाओ सप्पू, पंच परमेश्वर होते हैं। पंच कौन है? ये ठाकुर साहब, ये प्रधान जी। परसादी तुम करो ऐसे पंचन का मान, भेजते रहो बहु बेटी को एक पर छोल करने के खातिर। इन्हीं प्रधान ने तो हमारी सारी जमीन हड़प ली, तुम लोग इन्हें घर की बहु बेटी भेंट में चढ़ाते रहो, मुझसे तो ना होगा। परसादी जिनके बाजू में ताकत है वो अत्याचार नहीं सहेंगे, मैं इस पंचायत का फैसला नहीं मानता। अब तक हमारे और रामा के बीच कोई संबंध नहीं थे, लेकिन अब कान खोल कर सुन ले, आज से रामा मेरी जोरू है। अरे ये मजाल हर खुद तुम लोग देख कर रहे हो, अरे उठा लाठी। इधर मत पड़ना कोई, सप्पू का बाल बाका हुआ तो ठीक नहीं होगा। हम सप्पू के साथ हैं। रामा रामा तू आगे आगे चल, देखे कोई का बिगाड़ लेता है। चल रामा घर चले, आज मैंने बापू का कर्जा उतार दिया। ओरियन, अभी आपने सुरेंद्र सुकुमार की कहानी का नाट्य रूपांतर सुना। नाट्य रूपांतर राधेश्याम उपाध्याय ने किया था। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे विनोद रस्तोगी, प्रस्तुतिकरण सहायक राजा जुत्सी और तकनीकी सहायक एम रमानाथ राव। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे विजय बोस, विनोद रस्तोगी, राम पदारथ राय, एम एन गुर्जर, सैयद रियाजत हुसैन रिजवी, कमलाकांत मिश्र, ए एन रिजवी और शारदा कपूर। ये नाटक आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र पर तैयार किया गया।